हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वृंदा सिलाई ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपको कमीज़ की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हमारा बीच का ये डिज़ाइन बना हुआ है, इसको हम फोल्ड कर लेंगे लाइन से लाइन मिलाते हुए। ये देखिए, यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना चाहिए कपड़ा। अगर आपका बीच में से कोई भी लाइन है तो आप उसी की लाइन के सीध में आप कपड़े को फोल्ड करें, नहीं तो आपका कमीज़ सिलने के बाद आड़ा या तिरछा चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमने बिछा लिया है। अब हम लेंगे इधर, पहले सबसे पहले दोस्तों हम इसको यहाँ से सीधा करेंगे ताकि ऊपर नीचे जो कपड़ा छोटा या बड़ा है वो निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे लंबाई का निशान। अब लंबाई यहाँ पे दोस्तों मेरी है 43 इंच। तो 43 इंच ली है मैंने, इधर मैंने पूरी पूरी लंबाई ली है, नीचे बल्कि मैंने जोड़ लगाना है। ऊपर से अब दोस्तों तीरे का निशान लेंगे। तीरा है यहाँ पे मेरा 6.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे 6.5 इंच का हम तीरे का निशान लगा लेंगे। अब लेंगे हम मुड्ढे का, जो भी हमारा बाजू का जो आर्म होल का निशान है वो लगाएंगे। तो वो लिया है मैंने 7 इंच। ये मेरे पास दोस्तों ये नाप है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का। तो चेस्ट है यहाँ पे मेरी 38 इंच, तो मैंने यहाँ पे लिया 10.25 इंच। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 10.25 इंच का निशान लगा दिया है। अब ऊपर से हम, ये देखिए, ऊपर से हम कमर का निशान कैसे लगाते हैं, 14 इंच। यहाँ से दोस्तों कंधे से नापना है आपने ऊपर तीरे से कमर का निशान लेने के लिए 14 इंच। अब उस निशान पे फिर हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी यहाँ पे 32, तो यहाँ पे मैंने 8 इंच लगाया है, यानी 4 जितना भी हमारा चौथाई हिस्सा होगा। अब दोस्तों हिप का निशान हम कैसे लेते हैं, ऊपर से 21 या फिर आप मुड्ढे के निशान से 14 इंच पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाया मैंने हिप का निशान 10.5 इंच, ये ले लिया मैंने यहाँ पे हिप का। सिर्फ हमारे ये 3-4 ही हैं निशान जो हमें लगाने हैं दोस्तों। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, इन सारे निशानों को मिला लेंगे। और जो भी मार्जिन रखना है दोस्तों, आपने 1.5 इंच रखना है या 2 इंच रखना है, वो आप अपने हिसाब से निशान लगा लीजिए। और अब नीचे हम दामन करेंगे, यानी जो घेरा होता है हमारा कमीज़ का, उसका निशान लगाएंगे। ये भी मेरा 10.5 इंच है, तो यहाँ पे भी मैं 10.5 इंच ही लगाऊंगी। अब इसको हम मिला लेंगे निशान को सीधा करते हुए। ये देखिए, ये मैंने बराबर मिला लिया है। अब दोस्तों सारे निशान बराबर मिलाने के बाद यहाँ पे मुड्ढे की छटाई करेंगे हम 1 इंच का निशान लगा के। हमें ज़्यादा डीप की वो नहीं देनी है। फिर जो भी हमें आगे का छटाव करना है दोस्तों, कटिंग करनी है, तो वो हमें 1/2 इंच का मुड्ढे से आगे से निशान लगा के तब छटाई करनी है। तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से जो मैंने मुड्ढे का निशान लगाया है आगे की, ये छटाई ये हम करेंगे सिर्फ फ्रंट पार्ट की, ठीक है। फ्रंट पार्ट की हम ये छटाई करेंगे, पिछला जो पार्ट है हमारा वो ऐसे ही कटेगा। ये लिया है दोस्तों मैंने यहाँ से, देखो मुड्ढे का निशान लिया यहाँ 7 इंच इधर से। फिर यहाँ से चेस्ट लिया मैंने, ये चेस्ट का निशान है दोस्तों। चेस्ट यहाँ से लिया मैंने 10 इंच। और यहाँ पे है मेरे ये जो कमर का निशान है, ये लिया है मैंने 8 इंच, ठीक है। यानी हमें सिर्फ चौथा हिस्से का हमें यहाँ पे नाप डालना है फोल्ड करके, चौथा हिस्सा हमारा कितना बनता है, चौथा हिस्सा ही हमें यहाँ निशान लगाना। अब हिप का निशान है ये मैंने यहाँ लगा दिया है, ये मेरा 10.5 इंच है। नीचे भी घेर पे मेरा 10.5 इंच है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे 10.5 इंच का निशान लगाया है। अगर इन निशानों में आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है दोस्तों, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी।